असम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदेद, और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलानी पार्क यानी कि रेस कोर्स पार्क में, जहाँ पर PHA के ज़रिए तमाम एक बहुत ही खूबसूरत जश्न बहारा जो है उसका एहतमाम किया गया है। ये जश्न बहारा क्या है, किस तरह यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें जो हैं रखी गई हैं, किस तरह के रंग हैं, किस तरह की खुशियां हैं, किस तरह की मस्तियां हैं, ये सब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। हमारे साथ रहिएगा इस पूरे प्रोग्राम में। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूं उस रिपोर्ट के साथ जब इस जश्न बहारा का बाकायदा इफ्तिताह हुआ, उसके हवाले से खसूसी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखिए। और उसके बाद हमारे साथ यासिर गिलानी होंगे जो कि PHA के चेयरमैन हैं। हम चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है और आप यहाँ पर ना आकर क्या क्या मिस करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस रिपोर्ट से जो इस जश्न बहारा के इफ्तिताह के हवाले से है। कल्चर की छाप लिए जिलानी पार्क में सजने वाले जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद मेला देखने पहुंच गई। खिले हैं फूल, गया इंतजार का मौसम, वो साथ लाए हैं अपने बहार का मौसम। जिलानी पार्क में चारों सूबों की सकाफत के रंग, जश्न बहारा मेले में सकाफती एशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मकई की रोटी और सरसों का साग, रवायती खानों की भी भरमार, किताबों कपड़ों के लग गए स्टॉल्स, किस्मत का हाल जानने के लिए तोता फॉल का भी इंतजाम, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल पर भी खातीन की गहरी दिलचस्पी। जश्न बहारा मेले में बच्चों के लिए झूले, ऊँट, घुड़ सवारी समेत दीगर तफरीहात का भी इंतजाम किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यासिर गिलानी मेरे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के और PHA के ज़ेर एहतमाम ये सारा जो है इस वक्त मेला जो सजाया गया है, जिसके इफ्तिताह के हवाले से आपने रिपोर्ट भी देखी, वो यहाँ पर एक पूरे का पूरा एक बड़ा माशाल्लाह पूरा एक मुझे पीछे गाँव पूरा आबाद नज़र आ रहा है। यासिर, ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह बनाई गई, क्या थीम क्या है इसका? बहुत शुक्रिया आपका जी। नजर में बुनियादी तौर पे ये थीम ये था कि हम यहाँ पे पूरे का पूरे गांव का एक कल्चर मंजर कशी करें। सही, वो गांव की जो सादगी है, जो गांव की हमारी सकाफत है वो, और ख़ास तौर पे जो हमारी नई नस्ल है उसको हम अहम करने के लिए कि हमारा विलेज साइड कल्चर किस तरह का है, लोग वहाँ पे किस तरह से हैं, कितनी सादगी है, कितनी कुदरत के करीब चीज़ें हैं, तो वो हम अहम करना, ये जिसे कह रहे हैं कि गुज़िश्ता से व्यवस्था को जो है ना वो जोड़ने का जो है ना वो सिलसिला, वो हमने कोशिश की थी। बुनियादी थीम ये था और उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की हमारे स्टाफ ने, हमारे लोगों ने, तो ये स्टॉल्स हमने लगाए जो एक नुमाइंदा स्टॉल्स होते हैं, जैसे मेलों में, ठेलों में आपने गांव में देखा हो, वहाँ पे जो गांव के ट्रेडिशनली है, जो कोल्लू का बैल जिस तरह से सरसों का जो है वो तेल वहाँ पे निकाल रहा होता है, गन्ने के जो है गुड़ बन रहा होता है, इस तरह से और गांव के स्टॉल्स हैं। ये कोशिश यही की है कि जो अपना जो देहात का जो कल्चर है हमारा, असल में शहरों में हम उस कल्चर से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी शायद नई नस्ल को बहुत सारी चीज़ों का इलम भी ना हो। ये हम शुरू करते हैं जी यहाँ से। ये मस्जिद आपने जो है बिल्कुल एक मस्जिद का पीछे से मुझे नज़र आ रहा है और पूरा एक वाकई लगता है किसी गरीब जो पिंड की मस्जिद बनाई हुई है। तुम सर गाँव में अक्सर जगहों पर आप देखें जो गाँव छोटे गाँव या छोटे चक जो होते हैं उनके अंदर आमतौर पर ऐसे ही होता है, तो वही कल्चर दिया है। कोशिश की है कि बिल्कुल करीब तरीन जाके कि मस्जिद है और मस्जिद का एहतराम और सामने मीनार लोगों ने बनाए होते हैं। आप देखें, मुझे तो याद आ रहा है, मैंने कई गांव देखे हुए, मेरा खुद भी माजी में तसल्लुक तो है बिल्कुल सारा, तो वो बिल्कुल उसी तरह की चीज लग रही है और उसमें एक बना हुआ है। लोग आके वैसे बाकायदा यहाँ पे एक्चुअली नमाज भी पढ़ रहे हैं जी, अभी देख भी रहा था। तो यहाँ पर ख्वातीन के लिए अलहदा जगह है और एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है बड़ी खूबसूरत तरीके से। आगे बढ़ते हैं, जो सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर उनकी तरफ चलते हैं। कुछ लाहौर के जो शहरी हैं उनको भी हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कल्चरल हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये स्टॉल जो है, पहला स्टॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या किस तरह बने हुए हैं ये सारे? बैम्बू क्राफ्ट है जी। ये इधर आइएगा, बैम्बू क्राफ्ट है ये। अच्छा, इसको हम काट के ये मुस्लिम मॉडल बनाते हैं। एक पीस इसका बताएं कैसे बनाते हैं कोई पीस? ये जो देखें वो हाथ से बना हुआ है, ये बांस जो है ना हमारा, उसके ऊपर से उसकी लेयर्स कितनी ज़्यादा लेयर्स में काटते हैं और ये सारा खूबसूरत किस्म का वो बनाया है। ये मौके पे भी बना के देते हैं और दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ बनना होता है। हमने ये भी कोशिश की है कि पूरे पंजाब के जो हमारे नुमाइंदा इस तरह की चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पर स्टॉल लगाएं, ताकि हर शहर का हर ये बांस है, ये बांस है जिससे आप बाकायदा इसको जी, ये वाला सही
इसी बात से हम ये चीज़ें जो है ना टोटल हम ये हैंडमेड है, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर ये हैंडमेड है जी। अब ये देखें कि ये देखें सही इस ये बेसिक आ गई, ये सारे का सारा जो बना हुआ है, ये सारा जो जो शिप बना हुआ है, बैरी जहाज बना हुआ है, मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है, ये किस तरह है, प्राइस क्या है इसकी? प्राइस ये 1000 रुपए का है। अच्छा, ये 200 का है, ये 300 का है, इस तरह छोटी छोटी का डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बड़ी कितनी चीज है, छोटी चीज किस तरह है, या खूबसूरत है। ये छोटे छोटे हमारे जो फन है, जो आर्ट है, उसको भी हमने दिखाना है। और यहाँ पर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा हमारे कुकू घोड़े। हाँ जी, कुकू घोड़े अमली तौर पर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, किस तरह से गाँव के, वो कहते हैं ना मेरे गाँव के बच्चे इन खिलौनों से बहल जाते हैं, तो वो देखिए उन गाँव में जो बच्चों के लिए था, ये बड़े कलरफुल है, हम लोग खुद बचपन में खेलते रहे हैं, तो ये वो सारे का सारा डिपिक्ट किया गया। और ये देखिए किस तरह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है थोड़ा? गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा कितो आए हो? मुल्तान है जो है। मुल्तान तो आए हो ते एथे खास तौर ते स्टॉल एथे लगान वास्ते? हाँ जी। ए कुकू घोड़े बना रहे हो? हाँ जी, ये हम कुकू घोड़े बनाते हैं, कपड़े आके सी के बीच में संभालते हैं। ये किस चीज के बने हुए हैं ये सारे के सारे? ये क्या क्या लगा हुआ है इसके अंदर? ये कपड़े के सीके ना। अच्छा, बीच भूसा पाते हैं। अजय, ये कपड़े के सीके? हाँ जी, उसके अंदर भूसा डालते हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है। और ये कितने का देंगे आप, ले किसी ने लेना हो तो? ये 200-300 का बस दे देंगे। 200 का 300 का? हाँ, 200-300 रुपए का ये कुकू घोड़े यहाँ पर है जाए। अच्छा जी, कुकू घोड़े तो बिल्कुल गायब होते चले जा रहे हैं यहाँ पर, हमारे जो है शहरों में नजर नहीं आते। और माशाल्लाह ये बहुत बड़े 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 कुकू घोड़े भी बने हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल बड़े भी हैं, खड्डी का जैसे वो बनाते हैं, कपड़ा बना रहे होते हैं, बुन रहा होता है। हाँ जी, सेटअप है, तो कोशिश तो पूरी की है कि हम वो सारी की सारी चीजें डिपिक्ट करें। सही, असल मकसद मैंने जैसे आपको बताया, ये बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे कम अज कम प्योरिटी है, खुलूस है। सही, ये चीजें जो है ना हमारे गाँव के कल्चर की चीजें, मैं समझता हूँ ये खड्डी लगी हुई है जी यहाँ पर, ये कपड़ा बुनने के लिए यहाँ पर जो है बकायदा इसका अमली यहाँ पर मुजाहरा किया जाता है। और यहाँ पे वो मिट्टी के बर्तन जो है वो कुम्हार बना रहा होता है, ये रखे भी हुए हैं उसने खुद यहाँ पे, वो लगा के जिस तरह से वो अब देखें शायद मैं खाली बना भी रहे हैं, बल्कि अभी आटा गूंद रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे ये मिट्टी नाजे यहाँ पर बिल्कुल मिट्टी गूंदी जा रही है। चल के इनसे भी पूछते हैं ये किस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है। ये आप तो यहाँ पर बकायदा खुद गूंद रहे हैं मिट्टी। नाम क्या आपका? रशीद है मेरा नाम। रशीद साहब, ये जो है यहाँ पर अभी बनाएंगे आप ये सारे जो चीजें जो बन रही है अभी लाज? ये आप ये क्या बनाने लगे हैं आप? मुख्तलिफ मिट्टी के बर्तन। अच्छा, नहीं देखिएगा सिर्फ हाथों से ये किस तरह शेप निकलती है, बड़ी खूबसूरत। जब हम हैंडमेड की बात करते हैं यहाँ पर तो सिर्फ मिट्टी के ये जितने आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये दिखाइएगा ज़रा क्लोज करके दिखाइएगा, ये शक्ल जो है किस तरह निकल रही है इसके अंदर से। ये अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैं मिनट की बात भी नहीं करूँगा, कुछ सेकंड पहले ये सिर्फ एक मिट्टी का यहाँ पर ढेला था, और उस मिट्टी के ढेले से किस तरह एक देखते ही देखते, हमने बीच में आपको कोई कट नहीं है, कोई यहाँ पर रोका नहीं गया, ये डिज़ाइनिंग भी उसके साथ साथ होती चली जा रही है। ले जनाब, ये छोटी सी एक बच्चों के लिए जो है हांडी तैयार हो गई है यहाँ पर, और माशाल्लाह एक के बाद दूसरी चीज़, क्या कहते हैं जी इसको, इसको क्या कहते हैं जिस पे आप? चाक। चाक, और ये जो है ये हुनर आपने कहाँ से सीखा? विरासत में मिला मेरे, ये हमारा खानदानी काम है, बाप दादा का, बाप दादा का काम है। और अब लोग खरीदते हैं वैसे ये बर्तन इस किस्म के? कम खरीदते हैं, ये सिर्फ शो पीस के लिए खरीदते हैं, इस्तेमाल में कम ही, पहले होता था कि इस्तेमाल करते थे, हांडियां करते थे, कनालियां करते थे, प्याले होते थे, हर घर की जरूरत होती थी। अब ये सिर्फ शो पीस के लिए रह गया, कोई खरीदता कोई नहीं खरीदता। अब तो पीछे घड़ा भी पड़ा हुआ है, घड़ा नजर नहीं आता हमें शहर के अंदर, फ्रिजों ने ले ली सारी की सारी, यहाँ पर जगह ले ली सारी,
और यहाँ पर जगहों पे होटल्स में वो बनाना शुरू किया है कढ़ाई और इस तरह की चीजें कि इसमें अल्कलाइन ज्यादा होता है। अब दोबारा हम वापस जब यहाँ से हमने वो जिद्दत को जब अपनाया है और उसमें इम्प्योरिटीज हमें जब उन्होंने तंग किया है तो उसके बाद दोबारा हम वापस चले गए। लेकिन जनाब तो होते हैरंग तंगेज कमालात यहाँ पर मौजूद है। फॉल पहले बड़ी बड़ी निकाली जाती थी मुख्तलिफ जगहों पर, आहिस्ता आहिस्ता जो है फॉल निकलनी बंद हो गई। और ये मैं देखता था कि चिड़ियाघर के बाहर हमारे लाजमन बैठे हुआ करते थे, फिर वहाँ पे जब से साबिक द्वार में ऐवान वज़ीर आला शिफ्ट हुआ तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ से वहाँ से उठा लिए गए मुख्तलिफ मेला ठेला में। ये दिखाइएगा जी, ये सारे मियाँ मिट्टू ऐसी फाल निकाल के भाई हो जाए खुशहाल, फाल देखने में कोई हर्ष नहीं, बड़ा मज़ा आएगा, अपनी किस्मत आजमाएं। ये रंग लाहौर है, शादी में बंदिश, कारोबार में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, सफ़र, मुकदमा, इम्तहान। 50 रुपये में बता देंगे आप जी। नाम क्या आपका? हिकमतुल्लाह साहब, ये आप फाल निकालने वाला जो काम है ये कब से कर रहे हैं? सन 96 से कर रहे हैं। ये तो काफी कोई 25 बरस तो हो गए आपको ये करते हुए। पहले 96 से मैं इस ग्राउंड से आया जिसे शाहरुख साहब ने सी। अच्छा, उस वक्त से मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो उस वक्त मैं जवानी से जुड़ काम कर रहा। सही है, अब तक ये कर रहा हूँ, चल रहे हैं। सही है, ये यासिर साहब माशाल्लाह हमारे चेयरमैन है जी। हाँ जी, ये चेयरमैन है पीएचए के इस वक्त। तो वैसे अगर भाभी जो टीवी ना देख रही हो तो ये आप ऐसे करने लगा था कि यासिर साहब के हवाले से एक फाल निकालिएगा इनकी मोहब्बत में नाकामी और शादी के हवाले से एक जरा फाल निकालिएगा। ले जनाब यासिर साहब की पर्ची कटन लगा जाए। नाम आपने मेरा लिया, ये निकलवाना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है भाभी भी देखती है। तो सुल्तान हारून रहमतुल्लाह फाल गंदा के जिस काम का इरादा दिल में रखते हो वो काम अभी पूरा नहीं होगा क्योंकि सितारा गर्दश है आम छे बैस छे। अच्छा, चंद रोज सबर करो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, इबादत कर, थोड़े अरसे बाद तन खुशी और इत्मीनान हासिल हो जाएगी। बचत होगी। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पर मौजूद हूँ नाजिन, एक ब्रेक पर भी जाना है। ब्रेक पर जाते हुए चूंकि नई तौर पर हमारा प्रोग्राम है करंट अफेयर्स का, तो इस वक्त जो एक पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, यासर मेरे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा भी हैं, तो एक जरा जनाब हुकूमत के हवाले से इमरान खान साहब के बारे में एक फाल निकालिएगा। और मैंने पूछना यह है कि अब एतमाद की तहरीक वो लेने जा रहे हैं, मुश्किल में इस वक्त आए हुए हैं, इलेक्शन हार गए हैं, इमरान खान साहब का क्या बनेगा? जरा मुझे इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में इमरान खान के बारे सोच समझ के जायजा ला के। तोता सोच रहे हैं वैसे। ये ले जनाब, ये बड़ी अहम फाल है जी। हजरत सलेमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी, क्या तुम्हारी फाल अच्छी नहीं है? एक महीना और चंद दिन गर्दश के हैं, जिस काम का इरादा करते हो काम बांधते बांधते बिगड़ जाते हैं। ये गर्दश आम का बहस है, एक शख्स उन्हें धोखा देना चाहता है उसे खबरदार रहना बेहतर है, इबादत करे तो तुम्हारे सब काम ठीक हो जाएंगे। ये जनाब बिल्कुल यासिर साहब बिल्कुल जे हजरत सलमान फारसी की ये फाल निकली है और इमरान खान साहब वाकई मुझे सही लग रही है। वैसे फाल तुम्हारी ये फाल अच्छी नहीं है, एक महीना और चंद दिन गर्दिश के हैं, एक महीना और चंद दिन जो है वो गर्दिश के हैं भी दिखाएं और काम बनते बनते बिगड़ जाता है, यानी कि बनते बनते इसलिए बिगड़ जाता है कि तरीके अदम जो आपका उम्मीदवार होता है हफीज शेख वो जीते जीते हार जाता है आम का बायस है और एक शख्स तुमको धोखा देना चाहता है। ये बड़ा अहम है। वो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप निशान लगाए ताकि पता चले धोखा देने वाले कौन है, सामने आ जाए, वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं माना। लेकिन जो इख्तिताम है इस सवाल का, तुम्हारे सब काम ठीक हो जाएंगे, कहो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। चले जी, ये यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से फाल है, यहाँ बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। यासा मेरे साथ मौजूद है, मजीद आपको दिखाते हैं, आपको पीएचए के जरिए तमाम जो जश्न बहारा है उसके बारे में। लेकिन इस वक्त एक ब्रेक।
बैक फ्रॉम यू रेगनाजिन। इस वक्त हम जश्न बहारा में मौजूद हैं और एक मेले का समा है यहाँ पर, और मेरे सामने जो है ये कसूरी अंदर से यहाँ पर मौजूद है। ये मीठे पकौड़े जी लाहौर के, ये लाहौर के मीठे पकौड़े हैं, और जलेबी निकाली जा रही है, और जलेबी बिल्कुल जनाब वो कहते हैं कि इसमें रिसर्च होती है कि जलेबी की तरह सीधा बिल्कुल, सियासतदान जो होते हैं ना जलेबी की तरह सीधे होते हैं, वो जलेबी बिल्कुल सीधी है, ये हमारी बाल वाली है। अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल सीधी है, ये बाल वाली नहीं, वो सीधी नहीं है, वो जितने बाल अंदर पड़े हुए हैं ना अंदर ही, वो बाहर सीधी लगते हैं लेकिन उसके अंदर भी बाल ही होते हैं, उसके अंदर बाल होते हैं, सियासतदान होते हैं ऐसे सियासतदान बस काम ज्यादा हो गए हुए हैं, लेकिन ऐसे ठीक है, उनको बेहतर करना चाहिए। हाँ जी, खाएंगे तो पता चलेगा। बाकी कहते हैं जी कोई अंग्रेज यहाँ पर आया और उसने कहा कि जनाब मैं तो इस पे जलेबी पे रिसर्च करना चाहता हूँ, और रिसर्च ये करना चाहता हूँ कि यार ये तुम इसके अंदर जब ये हर तरह से बंद होता है तुम इसके अंदर लिक्विड भर किस तरह देते हो। तो ये छोटी छोटी साइंसें हैं हमारी जी, और आपको यहाँ पर जलेबी भी मिलेगी और यहाँ पर कतलम्मा भी मिलेगा जी। हाँ जी, कतलम्मा ताज़ा है? जी सर ताज़ा। अच्छा, ये ताज़ा बना हुआ है माशाल्लाह, ये जबरदस्त जी। और क्या क्या इसमें कौन है कतलम्मा यहाँ पे बना रहे हैं जी, ये किस चीज का बना रहे हैं जी, किस चीज का बनता है ये? मैदा और बेसन, और ऊपर जो मसाले वगैरह कौन कौन से हैं, ये सारे क्या क्या चीजें डालते हैं? हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, गरम मिर्च, ये सारे आपने रखे हुए हैं साथ जी? बिल्कुल जी, यहाँ पर लाइव इस्तेमाल किया माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये असल मकसद भी ये था कि लोगों को अशनास हों, पता चले कि किस तरह से है ये। बिल्कुल हमारे, क्योंकि मैं तो गांव से जो है वो बैक एंड पे मैं देखता रहा हूँ, बचपन में गांव जाते रहे, मेलों पे देखते रहे, तो ये बिल्कुल वो कल्चर हमने कोशिश की है ताकि लोगों को पता चले कि लोग किस तरह से, गाँव के लोग किस तरह से अपनी फेस्टिविटी किस तरह से करते हैं, तो ये उनकी फेस्टिविटी है। अब बच्चों को हमारे यहाँ शायद बर्गर का तो पता है और इसके साथ साथ पिज्जा का भी पता है, लेकिन शवारमे का पता है, लेकिन खास तौर पे इसका जो है ना आप कतलम्मे का वो बहुत कम रह गया यहाँ पर, आपको शहरों में नजर नहीं आता कतलम्मा जो है। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि अब हमारी खुराक चेंज हो गई है, वो हम देसी फूड से हट के दूर चले गए हैं। वैसे मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी ऐसी खुराक जो कुदरत की करीब तरीन होगी वो आपके लिए नहीं। खैर, ये तो आप आपस की बात है, ये सारे का सारा घी है, मैदा है, मैदा है, ये कोई इतनी जबरदस्त वो नहीं कह सकते कि आप, जाहिर है कुछ चीजें इसमें भी शामिल हो गई हैं जैसे घी आपने बताया, लेकिन ये देखिए किस तरह, ये दिखाइएगा जरा ये किस तरह इसके ऊपर जो है पूरे का पूरा लेप हो रहा है और ये एक शक्ल बनती चली जा रही है यहाँ पर। कतलम्मा जो है ये हमारे मेले ठेले हमारी रवायती चीज़ों की एक बड़ी एक ख़ास डिश है जो, और वो खाए जाते हैं शौक से, जलेबियाँ खाई जाती हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर खाई जाती हैं। अब इसके ऊपर जनाब ये सारे का सारा मुझे जो है धनिया नज़र आ रहा है, बाकी मिर्च नज़र आ रही है, सारी चीज़ें इसके ऊपर डाली जाएंगी। दाल, हाँ जी, दाल माश है इसके अंदर, छिल्लड़ वाली, छिलकों वाली, सही सही सही, ये देखें ये बिल्कुल इसके, अब ये इसके ऊपर पूरा आपको दिखाना चाह रहे थे कि ये हम अपनी ऐसा वाकई अपनी सकाफत से ना दूर होते चले जा रहे हैं। असल में यही चीज़ है कि हमें अपनी सकाफत से जितना करीब होंगे, दिखाइएगा ये बनता हुआ, दिखाइएगा कि यहाँ पर जब आप कतलम्मा खाने के लिए आएँ तो ये इस तरह आपको दाल माश और ऊपर ये धनिया जो है, बिल्कुल देखें किस तरह से, ये भी एक फन है ना, इतनी बड़ी रोटी बना लेना। हाँ, हमारे यहाँ तो आजकल वो कहते हैं कि खवातीन से छोटी रोटी नहीं बनती, तो यहाँ पे देखें कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रहे हैं वो, तो ये भी बड़ा फर्क आ गया। नहीं, तुझे घर नहीं जाना वापस लगता है, आज मैं आपको कह रहा हूँ आप इधर वापस जा रहे हो, लगता है तुझे जाना घर नहीं जाना। ये ना नहीं, ये है जी इस तरह यहाँ पर ये फ्राई होगा और ये कतलम्मा यहाँ पर, मजेदार किस्म का कतलम्मा यहाँ पर तैयार हो रहा है। शहर में आपको पता है ना, नान की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, वो एक वैसे भी कल्चर है। हाँ जी, तो ये लेकिन यहाँ पर उसका फन देखो उसमें किस तरह से फौरी तौर पर कितनी बड़ी जो है ना कतलम्मा बनाया है, कितनी बड़ी रोटी बनाई है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल सामने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। और लोरिये जो है चिकट छोले खान दे बड़े शौकीन है गए जी, और चिकट छोले है। अस्सलाम वालेकुम जी, किस जगह से आए हैं आप? क्या? आप कितों आए हो? तुसी लाहौर ही आए हो? अपना पुराना काम है? हाँ जी, बहुत पुराना, 50 साल का पुराना काम है। 50 साल का पुराना काम है। क्यों चिकट छोले क्यों मशहूर ने? क्योंकि भठूरिया के नाल
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਲੋਰੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਜੀ ਇਧਰ ਇਧਰ ਆਈਏਗਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਧਰ ਚਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਰੋਹ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ गन्ने का रस जो है रोह की दुकान भी यहाँ पर आपको नजर आएगी और इसके साथ साथ पीछे आगे चलिएगा यहाँ पर ऊंट का भी है तमाम है जी ये डाची ये जी बैल है कोलू का बैल कोलू का बैल कोलू के लिए ये ऊंट है वैसे ऊंट पे बैल होता है यहाँ पे ऊंट पे भी होता है दोनों जगहों से आप कर सकते हैं दोनों तरीकों से यहाँ पे इन्होंने ऊंट रखा हुआ है और वो कोलू चल रहा है इस कोलू से जो खालिस सरसों का जो तेल है वो निकाल रहे हैं सही ये चलता है उसको जब घूमता है चारों तरफ से उसके ऊपर सरसों डालते हैं सही अंदर इसके मैकेनिज्म बना हुआ है वो उसको इस तरह से रगड़ता है रगड़ के उसके अंदर से वो तेल ये जो खालस सरसों का तेल है वो यहाँ पे जो है निकाला भी जाता है उसका मुजाहरा भी करते हैं इसके वो सरसों जो है वो कहते हैं ना सरसों थैली पे नहीं जमती जी हाँ तो यहाँ पे वो जमा के दिखाते हैं बल्कि उसमें से तेल भी निकालते हैं यहाँ पर सरसों जो है माशाल्लाह जी इत्थे अपना पलंग जो है रंगीले मंजे जड़े ने वड्डे मंजे भी नज़र आएंगे रंगीले पलंग भी हैं यहाँ पर और लोरिए अंदाज़ा लगाएं कि लोरिए जो है कितने ताकतवर होते हैं मेरे सामने जो मंजा नज़र आ रहा है पलंग नज़र आ रहा है वो लोरिए ने तोड़ भी दिया है लोरिए गाँव में भी अक्सर जब बैठ रहे होते हैं वहाँ पर कार्ड्स खेल रहे होते हैं बुजुर्ग या वैसे भी बैठे हैं तो एक आध जो मंजा जो है ना वो टूटा हुआ भी होता है और उसके ऊपर भी सही है नाज़रीन आप जब यहाँ पर आएंगे जश्न बहारा देखने के लिए रेसकोर्स पार्क में और यहाँ पर आपको जब पान के हवाले से बात होगी तो फिर यहाँ पर राणा भाई का शाही पानदान जो है वो आप यहाँ पे मिस करें तो वो बड़ी एक क्यों यासिर साहब ये बड़ी एक सौगात है यहाँ पर बात है और ये खुद एक आपको पता है जिस तरह से वो पान बनाते हैं पान तो बड़े बनाते हैं लेकिन उनका लिबास और उनका जो तर्ज है वो लखनऊ खुद ही बना सकते हैं लगता तो यही है कि लखनऊ से और अदब का जो वो शाहकार है उस तरह से वो पान बना के कर रहे होते बड़े नामवर पान ये शाही पानदान कितना पुराना है जी ये शाही पानदान हमारे मेरे और आपसे बड़ा है मेरे और मतलब पुराने लोग मेहमान वगैरह घरों में होते तो वो तकरीबात में इससे पान खाया करते थे पुराना है क्या खसूसियत क्या है आपके पान की मेरे यहाँ ये कल्चर लोग देखते हैं सबसे पान तो अपनी जगह है मतलब से मुफीद है लेकिन कल्चर लोग मेरा देखते हैं अगर मैं अकेला इंसान कल्चर को मतलब अपनाए बैठा हूँ ना दुनिया मुझे देखती है अगर मेरा पूरा पाकिस्तान के लोग कल्चर अपनाए तो दुनिया भर के लोग हमें देखने आए हम अपने कल्चर को भूल मैं ये देख रहा था माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बड़े मशहूर लोग यहाँ पर आते रहे और मैं इसमें सियासतदानों को देख रहा हूँ मैं सामने कौन कौन आता रहा जी यहाँ पर आपका और कौन इंजॉय किसने सबसे ज्यादा इंजॉय किया आपके पान को हमारे मैडम नूरजहां सबसे पहले तो मैं मुझे फख्र है कि मैडम नूरजहां मोहम्मद अली जैसे लोग मेरे पास आए हैं उसके बाद गुलूकार साहब मेरे पास आते रहे हैं सही बाकी तुर्की के सदर हैं सऊदी अरब के जो अभी वली अहद हैं वो तशरीफ ला चुके हैं उसके अलावा कनाडा की वजीर आजम बहुत से मुल्कों के मैं देख रहा हूँ सामने इमरान खान साहब जो है इमरान खान साहब की वो सामने हमारे पास मुलाकात होती है अच्छा वो पीछे शहबाज शरीफ साहब भी जो है शहबाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली हमें जानती है बेनजीर साहब हमारे पास पान खा जो है खुद चल के आई है मतलब उन्होंने देखा खाने का स्टाइल भी पता नहीं अच्छा 365 लिबास में खुद सिलाई करके पहनता हूँ सर्दी गर्मी बाहर खास खास जो है हाथों से सिलाई करके ताज़ा ताज़ा पहना हुआ है माशाल्लाह जी उसका कलर और उसकी जो है सारी सिलेक्शन और पान जब खिलाते होते हैं खास तरीका है कि निशानी भी लगाते होते हैं वो पता नहीं मुझे वो क्या चीज़ है जी वो खास अंदाज क्या है वो मैं जरूर खाएंगे इसमें लेकिन क्या खास अंदाज आपका स्पेशल जो है वो जो है बस मेरा जो भी काम है वो मुस्कुराहट है अच्छा उसमें मुस्कुराहट होनी चाहिए चाहे पान खिलाऊं पेश करूं जो भी हो मुस्कुराहट अंदर से इंसान अंदर से बाहर से नहीं ये मजाक नहीं अंदर से मुस्कुराहट हो दिल खुश होना चाहिए सही है बिल्कुल सही है नाज़रीन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम लोग बड़े बड़े सियासतदान सिर्फ मुल्की नहीं बल्कि गैर मुल्की भी जो सरबराह मुमलिकत है वो यहाँ पर आते रहे पान यहाँ पर खाते रहे परवेज़ मुशर्रफ साहब भी यहाँ पर आते रहे
एम्बेसिडर, फ्रांस के एम्बेसिडर, कोई मुल्क ऐसा जिसके एम्बेसिडर जो सरकारी। जनाब ये फिर आप आए तो फिर यहाँ पर शाही पानदान जो है इसका भी यहाँ पर दौरा कीजिएगा, ये खाइएगा यहाँ पर, और एक खास अंदाज है, वो क्या अंदाज है वो आप जब यहाँ पर आएंगे उसको उसको एंजॉय कीजिएगा, उसको देखिएगा। जी नाजी सर, मैं सलीम मुगल साहब के साथ मौजूद हूँ, यासर साहब भी मेरे साथ ही है, और यहाँ पर जो वुड आर्ट है उसका आप यहाँ पर मुजाहरा देखेंगे कि ये किस किस्म की चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं और ये कितना खूबसूरत किस्म का काम है। ये जैसे देख सकते हैं कि ये जी पूरा बुक्स का आपने बनाया हुआ है इसका। ये बुक्स का मॉडल है, प्रवीण शाकर अवार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रवीण शाकर अवार्ड जो है ये वो डिज़ाइन हुआ है, वो डिज़ाइन है, तो उसकी ये पूरा मॉडल बन गया, इसके साथ के अब 10 मॉडल बनेंगे। सही है, किस तरह देख के बनाया, किस कैसे? ये जो कंपनियां हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, वो मुझे ऑर्डर भेजते हैं कि ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीर से आपने इसको बाहर निकालना है, तो ये अल्लाह की मेहरबानी से फिर इस तस्वीर से। वुड आर्ट जो है पाकिस्तान में इसका क्या मुस्तकबिल क्या है, कहाँ पे हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मुस्तकबिल में जो वुड आर्ट है ना वो मुख्तलिफ है, मैं बनाता हूँ कंपनियों के मॉडल्स, सही तामीराती मॉडल जितने भी होते हैं जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनके ऊपर। कौन कौन से आपने बड़े बनाए हैं अब तक? बड़े अल्लाह की मेहरबानी है वो तो गिने भी नहीं जाएंगे, चले चंद ये है कि इंटरनेशनल जो न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद का बन गया, जो न्यू थालिया इंटरचेंज है, वो सारा मॉडल मेरा है। अच्छा, मेट्रो ट्रेन जो मेट्रो जो बस चल रही है इस्लामाबाद में वो भी मॉडल मेरा है, मेट्रो जो बस लाहौर में चल रही है इनका मॉडल भी मेरा है, यादगार चौक जो न्यू बना है ये बनने से पहले पूरा मॉडल मेरा है। ये आपने पूरा वुड में लकड़ी में पूरे के पूरे मॉडल बनाए? ये लकड़ी में बनता है, उसके बाद इसको कलर कर दिया जाता है, जैसे सड़कें होती हैं जैसे उसके कलर होते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पे अगर कोई अपना मतलब वो देख रहे हैं आपने, ये तस्वीरें भी हैं लोगों की और मुख्तलिफ चीज़ों की, तो ये अपना बनवा सकते हैं आपसे यहाँ पर? बनवा सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ काम दिखाने के लिए आता हूँ, कुछ सेल नहीं करता। अच्छा, कोई चीज मैं सेल नहीं करता, ये सेल के लिए नहीं है वैसे। कोई चीज सेल नहीं करता, जब भी आता हूँ सिर्फ काम दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह बच्चे जो यहाँ पर सीख भी रहे हैं आपसे, इसके साथ साथ जितनी देर मैं बैठता हूँ एक फ्री में क्लास रख देता हूँ, कोर्सेज कराता हूँ, उसमें एक 10-15 दिन के अंदर ये लोग काम भी सीख जाते हैं, अपना छोटा छोटा काम करते हैं, चले इसी बहाने ये थोड़ा सा। वुड आर्ट जो है मेरा ख्याल है उसकी सर्वाइवल के लिए ये छोटे छोटे फन है जो पहले कभी थे ऐसा ऐसा खत्म होते चले जा रहे हैं, कंप्यूटर ने मशीनों ने सारों की चीजों की जगह जगह ले ली है। नहीं जी, ख्वातीन के लिए भी पूरा यहाँ पर ड्राइंग आर्ट्स है हमारे, लेकिन फिर भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे जब आपने मॉडल्स को 3D शक्ल में रखना होता है तो जरूरत होती है, तो वो लोग बना रहे हैं इस हवाले से। ये क्या क्या है जी चीज़ें सारी, ये डेकोरेशन की है जी? ये थरपारकर से आए हैं। अच्छा, सिंध के आप थरपारकर से आए हैं यहाँ पर? बुनियादी तौर पे आप सिंध से हैं? सिंध से। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये चीजें जो है ये सिंध का जो है ये सारा, ये हमारा कल्चर है वहाँ थर का। सही, ये जो कढ़ाई है ये हाथ की कढ़ाई है। अच्छा, ये सारा हाथ का ये शीशे है, ये क्या, ये क्या है, कितने में मिल रहा है ये? ये 1600 का है। अच्छा, इसमें अलग अलग लें जी, थरपारकर से भी सिंध की कल्चर जो है यहाँ पर आया हुआ है और वो हाथ से बने हुए, इनकी बड़ी वैल्यू है और बड़े आपको पता है बड़े बड़े घरों में लोग अपने ये उसी तरह जनाब ये जैसे हम पहले देख रहे थे ये सारे के सारे, ये भी बांस से बनी हुई सारी यहाँ पर चीजें हैं, ये डेकोरेशन का यहाँ पे ना जी आपको यहाँ पर ख्वातीन को भी चीजें मिलेंगी, अपनी डिजाइनिंग की चीजें भी मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या खसूसियत है जी ये सब चीजों की? ये जी वुड से बने हुए, शीशे वुड से। सही, और ये सारा हाथ खुदाई है, सारे कलम से ये सारी खुदाई है, हाथ हैंडमेड है ये सारे का सारा हैंडमेड है। जबरदस्त है जी, जबरदस्त है। ज्यादा ये लाहौर से है, लाहौर से। आप लाहौर से ही बना रहे हैं? ये लाहौर से ही बनवा रहे हैं, लाहौर में बनवा रहे हैं ये सारा माशाल्लाह जी। ये आयतुल कुर्सी समेत मुख्तलिफ जो है यहाँ पर मौजूद है। ये क्या हदिया क्या होगा जी इसका? इसका 2000 रुपए। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लेने के लिए आते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इधर देखिएगा यहाँ पर ख्वातीन के लिए वैसे आपने काफी इंटरेस्ट की चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं और ये सारी की सारी पुराना। सलाम अलैकुम जी। सर, ये कहाँ से आए हैं आप? किरोड़ पक्का से आए। ये क्या खसूसियत है जी इन सब की? ये सर ये हाथ से बना हुआ, ये हमारा हैंडमेड काम है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड काम है ये हमारा। अच्छा जी, ये सारा ये सब हाथ से बना हुआ है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, बहुत डिसेंट सी चीजें होती है, लोग इनको बहुत
लाइक करते हैं। सही, ये किस काम, चादरें किस काम आती हैं? खवातीन के? जी जी, बेड शीट से ये खवातीन के नाम आती हैं। बेड शीट्स के लिए आप हैंडमेड जो है, कितने कितने की दे रही हैं यहाँ पर? ये मुख्तलिफ प्राइजेज हैं सर, मुख्तलिफ स्टाफ है, 3000 की है, 1800 की भी है, 2200 की है, 2500 की है, मुख्तलिफ स्टाफ है, मुख्तलिफ प्राइजेज। चले जी, ये भी करोड़ पक्का से आए हुए हैं मुल्तान का, यहाँ पर आपको सराइकी, यहाँ पर आपको जी। और चीज भी है मेरे पास जी, उसको भी देखिएगा कैमरे में दिखाइएगा सर। ये हमारे पास चुनरियाँ होती हैं, ये चीज़ हमारे पास होती है, ये चुनरी, ये भी हमारा हैंडमेड काम है, इसको भी लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ये भी हैंडमेड है, चुनरी भी हैंडमेड काम है जी, बिल्कुल। ये भी हैंडमेड काम है और ये चीज भी हैंडमेड काम है, ये भी हमारे अपने डाई करदा कलर होते हैं। सही, गर्मी के लिए ठंडे केमिकल से पाक कलर होते हैं गर्मी के लिए जी। ये सारा मुल्तान से आगे, मुल्तान बहावलपुर, मुल्तान और बहावलपुर के सेंटर में आता है करोड़ पक्का। मुल्तान और बहावलपुर मशहूर है जी इन तमाम चीजों के लिए। जरा आगे थोड़ा सा हल्का सा एक जायजा और लेते चले, ये यहाँ पर बच्चों के लिए, ये और बड़ों के लिए जूते। सलाम, बलोचिस्तान का स्टॉल है जी। ये आप कहाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? कोयटा से आए। ये कोयटा का सारा बलोची यहाँ पर जो है, ये सारा ये बच्चों के और बड़ों के लिए जूते। क्या प्राइस क्या है इसकी? ये बड़ा रंगीन सा है, रेट भी मुनासिब रखी है ना। अच्छा, जेंट्स की, लेडीज की, बच्चों की, सारे मुनासिब रेट रखी है ना। मुनासिब रेट रखी है, बता नहीं रहे लेकिन मुनासिब इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। नाज़रीन, मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो आप पीछे स्टार माशाल्लाह जी, आपने यहाँ पर पूरा जो है एक पाकिस्तान भर से लिबास है खवातीन के, वो देखें टोपियाँ हैं आदमियों के लिए, ओवरऑल बच्चों के लिए, वो चप्पल है, हर चीज़ कोशिश की है हमने कि एक नुमाइंदा पूरे पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर खाने पीने के, मैं खाने पीने के स्टॉल्स की तरफ अभी आपको कुछ दिखाया है, ज़्यादातर आपको मैंने स्टॉल्स नहीं दिखाए। खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए झूले भी हैं, यानी कि छोटे बच्चे आए आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। मज़ेदार काम है सारे का सारा जी। बगी राइड भी है, बगी राइड भी है, तो ये सारे का सारा जो है ये बस इनसे मुझे जरा पूछ लेने दीजिएगा कहाँ से आए सर, ये कहाँ का सारा है? ये मुल्तान से, आप भी मुल्तान से ना जी? ये भी मुल्तान का आपको जो है बड़ी खूबसूरत किस्म की क्रॉकरी भी, ये खास कलर भी जी उसी तरह के है, मुल्तान का जो एक खास ट्रेडिशनल रंग है वहाँ पे, तो ये सारी उस चीज़ की मुल्तानी मिट्टी आपको पता है। ठीक है, और ना आप यहाँ पर आएंगे, सब्जी वगैरह भी मिल जाएगी, बाकी चीज़ें खाने के लिए भी मिल जाएंगी, एक भरपूर मेला है यहाँ पर। आप मजीद भी बात करेंगे, मुझे कुछ टेक्निकल इश्यूज भी डिस्कस करने हैं कि यहाँ पर जो पीएचए चल किस तरह रहा है, ये सारे इंतजाम किस तरह हो रहे हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, यासिर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पीएचए के, और हम इस वक्त उस मेले में मौजूद हैं, जश्न बहारा में मौजूद हैं, जिसका अहतमाम पीएचए ने किया। मैं चाह रहा था कि ये जब आप यहाँ पे आएंगे तो माशाल्लाह इधर दिखाइएगा सारा खाने पीने का, बड़ा अच्छा इंतजाम यहाँ पे सारा है। पूरी कोशिश फूड स्ट्रीट, जो फूड स्ट्रीट पूरा फूड और नुमाइंदा सज्जी लगी हुई है, ये दिखाइएगा जी सज्जी वगैरह आपको यहाँ पर। अगरचे अभी जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी यहाँ पर जो है रश बढ़ता चला जाएगा, और अभी जो है रश थोड़ा कम है, लेकिन माशाल्लाह लोग जो है क्या गोलगप्पे, यानी तमाम सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से नुमाइंदगी, और तो और निहारी भी यहाँ पे मौजूद है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमने कोशिश की कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ, यार मैं बड़ा इंजॉय किया करता था वो जो ग्वाल मंडी वाली फूड स्ट्रीट थी ना, आप यकीन करें जो नई फूड स्ट्रीट बनी है वो मुझे उतना मजा नहीं देती जो वहाँ पर साग स्टॉल है। यानी तकरीबन कोशिश की है सरसों का, सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। अच्छा यार साहब, ये जो है इस पे हुकूमत का, अगर चाहे इस किस्म के मेले ठेले होने चाहिए, लोग खुश होते हैं, इस पे कितना खर्च आया पीएचए का? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली चीज़ तो ये कि ये हमारा बराह रास्त मैंडेट है कि हम अपने पार्क्स के अंदर इस तरह की एग्जीबिशन करें ताकि लोगों को जो है वो बता सके, अपने कल्चर से मांग कर सकें। ये जो हमारा जश्न बहारा का प्रोग्राम है, बराह रास्त हुकूमत का एक पैसा भी इस पर खर्च किया हमने, इसके जो एडवर्टीजमेंट राइट्स हैं वो लोगों को दिए हैं, और टेंडर किया, और बिल्कुल ओपन और फेयर टेंडर किया। फेयर टेंडर
करने के बाद फिर हमने उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि हमें क्वालिटी चाहिए, हमें नुमाइंदा चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें जिन्होंने वो टेक्निकली फिल किया वो करने के बाद, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमें PHA को एज ए इंस्टीट्यूशन इधर से कुछ बेनिफिट ही होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। सबसे बड़ा बेनिफिट सर ये है लोगों की खुशी, लोगों की खुशी। आप नाजिम देख सकते हैं कि ये झूले बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आप एक जो रवायती झूले थे वो कम होते चले जा रहे हैं, बुक्स वो भी हमने रखा, स्टोरी टेलिंग भी है यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर जो है ये झूले जो है इसके ऊपर जनाब कैसे है, ठीक है जी। तो झूले जनाब यहाँ पर आप देखिएगा झूलों का, आपने बचपन में पिंग पे बड़ा पिंगे भी अब झूलों में पार्कों में कम हो गई हुई है। आप तो बड़ा वो दूर दूर तक उस पे जाते होते थे यहाँ पे यार। अच्छा, तो इसका मतलब यूँ है कि ये बुनियादी तौर पे आपने स्पॉन्सरशिप के साथ सारे का सारा किया है, सारा स्पॉन्सरशिप से किया है। इवन शहर का जो डेकोर है हमने ये भी कोशिश की है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो बाहर है ये उम्मीद का मौसम है, रंगों का मौसम है, फूलों के खिलने का मौसम है, खुशखबरी का। और अच्छी देखें जी, लोग आए हुए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और ये अभी अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर एक जश्न बहारा हमारा हुआ करता था बसंत के साथ, लेकिन आज ही सुबह एक बड़ा ही दिल खराश वाकया हुआ। दयाल सिंह कॉलेज के हमारे लेक्चरर, हमारे प्रोफेसर जो है उनके गले पर यहाँ पर डोर फिरी, और एक मरतबा फिर मैं मुझे जोर मिला मेरे अंदर से उठा कि मैं कहूँ कि हाँ कातिल बसंत नहीं होनी चाहिए, ये बसंत से रंग थे, ये सारी रौनक इससे ज्यादा रौनक होती थी, लेकिन बसंत क्या कहते हैं आप? मैं भी उसकी जो है ना, अगर तो वो उसमें से ये वाला एलिमेंट किसी तरह से खत्म हो जाए तो बसंत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बस ये थे मजबूरी, हम हर जगह पे जाके वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जाती जो डोर है पर एक जान से आगे तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो जब तक जान को खतरा है उस वक्त तक तो कभी भी इजाजत। ये दिखाइएगा जी यहाँ से बाहर जो सारे के सारे स्टॉल लगे हुए हैं वो दिखाइएगा, आपने तो अच्छा खासा यहाँ पर बाजार जमा कर दिया जी। यही कोशिश की मैंने, जैसे आपको बताया कि हमने इसके ऊपर इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हमारी मीटिंग्स हुई, डिटेल डेलीब्रेशन हुई, उनको कहा गया कि आप हमें नुमाइंदा स्टॉल्स बताएं कहाँ का, जैसे खद्दर है कमालिए की पाकिस्तान में सबसे मशहूर है जी, उनके खद्दर है, यानी वो पूरी की पूरी चीज़ें उनसे कोशिश की और बात की कि हमें आप पूरे पाकिस्तान के जो अहम अहम चीज़ें वो एक जगह पर यकजा करनी है हमने, ताकि वो इस शहर के अंदर, और कॉन्सेप्ट क्या है कि लाहौर होस्ट पाकिस्तान, कि लाहौर जो पूरे पाकिस्तान की मेज़बानी शिरकत कर रहा है, और लाहौर ये पूरे पाकिस्तान के रंगों से जो है वो फैजयाब हो रहे हैं, उसके कल्चर से, उसके ख़ास मलबूसात से, जो ख़ास उनके जेवरात हैं उनसे, ख़ास खानों से, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं। ये दिखाइएगा जी पहले जो पूरे जिस तरह ये बनाए गए हैं, सारे हट बनाए गए हैं, और जिस तरह यहाँ पर एक खूबसूरत मंजरकशी की गई, वो सारी जगह सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन यासिर साहब आएंगे तो सही यहाँ पर लाहौरी है, लेकिन आपकी हुकूमत ने महंगाई इतनी कर दी हुई है कि आपने स्टॉल तो लगा दिए, मुझे नहीं लगता कि कोई खरीदारी ज्यादा हो सकेगी। देखिए असल चीज ये है, मैं शिकवा भी करता चलूँ आपसे, वो महंगाई का थोड़ा सा एलिमेंट है, लेकिन थोड़ा सा जी थोड़ा ये है अभी, लेकिन अच्छा। क्योंकि माजी में भी ऐसी मिसालें हैं, वो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन ये है कि जो सबसे अहम चीज़ है, हमने कोशिश की है, विजिलेंस बनाई हुई है यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर और कीमतों के ऊपर, सही। हमारा कोऑर्डिनेशन की टीमें मुकर्रर हैं, वो कंटिन्यूसली चेक कर रही होती हैं, यानी कि यहाँ पे आपको महंगाई नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे महंगाई कंट्रोल है, हमने इसको कंट्रोल किया है, विजिलेंस हमारी एक्टिवली काम कर रही है, और असल चीज़ यही है कि जो लाहौर यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, लोग आए झूले लें, जो तो किसी ने कोई चीज़ खानी है उसने उसकी अदायगी करनी है, इसके अलावा कोई किसी चीज़ की अदायगी नहीं है, तो इंजॉय करें बच्चों के साथ। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि जो लोगों को खुशियाँ बिखेर रहे हैं, तो दिल इत्मीनान पकड़ता है कि जब आपको कोई जिम्मेदारी मिले आप ऐसा काम करें जिसके अंदर लोग खुश हो जाएं, तो ये सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कामयाबी। नहीं जी, ये वाकई खुशियाँ नाजी लाहौरियों से बसंत मज़ा देती थी, खुशी देती थी, उसने दुख देना शुरू कर दिया, उसने गम देनी शुरू कर दी, उसने मौत देनी शुरू कर दी, लाहौरियों से खुशियाँ दूर होती चली गई। हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था लाहौर में, वो दहशतगर्दी जब से शुरू हुई हम उससे भी महरूम हो गए, मेले ठेले लाहौरिये तो मेले ठेलों के शौकीन हुआ करते थे, मेले ठेले सारे के सारे गायब हो गए। अब हमारे पास ये जश्न बहारा है, अल्लाह करे ये आबाद रहे, इस तरह लोग जो है आम लोग जो है झूले, ये सारे झूले मुख्तलिफ जगह जो मेले लगते थे ना उन मेलों में ये सारे हुआ करते थे। फिर वो सिलेक्शन भी वही की है कि जो टिपिकल मेलों के, हालांकि आपको पता है मैकेनिकल राइड्स बड़ी अच्छी आ गई हुई है, हाँ जी, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि यहाँ पे सारे हमारे गांव के कल्चरल जो मेलों के जो हैं जो सिलेक्टेड झूले हैं वो वाले झूले हों, जो शायद आपने अपने बचपन में कभी देखे हो, मैंने अपने बचपन में देखे हैं, लेकिन
नौजवान नस्ल है उनको शायद ये वहाँ पे नहीं मिलते हैं ये शहर में। तो हमने कोशिश की है कि इस तरह की सारी चीज़ें उनके सामने लेके जाए। नाजी बहुत बड़ी कोशिश है और माशाल्लाह PHA जिस तरह काम कर रहा है जश्न बहारा के लिए, जिस तरह मैं अपनी कैनाल को देखता हूँ, मैं मेन बुलेवार्ड को देखता हूँ, मैं बाकी इलाकों को देखता हूँ, वहाँ पर चरागा है। हमसे जो खुशियाँ ख़ासतौर पर मैं कहूँगा कि दहशत गर्दी के हवाले से जो हम पर सख्ती आई, फिर कोरोना की वजह से सख्ती आई, लाहौरियों से खुशियाँ जो थी रूठना शुरू हो गई थी। अब वो खुशियाँ अगर वापस आती हैं हमारे चेहरों पर, आम बंदे के लिए थोड़ा सा मज़ा आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आफत निशान है, हमारे DG साहब हैं, बाकी तमाम लोग, ये जी बड़े सारे स्टाफ ने बड़ी मेहनत की है। और आपको पता है बिल्कुल ठीक कहा कि 4 साल ये लाहौरी महरूम रहे हैं। जी हाँ, हमने जब आए 2018 में तो खास तौर पर गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि हमने ये करना है, ये लाहौर की एक फीचर है और लाहौरियों को बहुत कम मौका मिलता है इस तरह की चीज़ों का। तो उनकी मेहरबानी 2018 में किया, पिछले साल हमने अभी इफ्तिताह किया ही था तो कोरोना एक आफत आ गई जो कि पूरी दुनिया के लिए थी, उसकी वजह से हमें मुअत्तल करना पड़ा। इस दफ़ा भी है लेकिन हमने कोशिश की है कि सबसे रिक्वेस्ट करें कि इन SOPs को फॉलो करें, NCOC की रिकमेंडेशन को। तो असल चीज़ यही है कि आप ऐसे इवेंट्स करते चले जाएं। और अभी हम इंशाल्लाह पहले सावन मेला किया, पिछले कोरोना वाला साल तो था उसमें नहीं कर सके, 2019 में हमने किया, इस दफ़ा इंशाल्लाह हम सावन मेला भी करेंगे। तो ये पूरी हम कोशिश करेंगे कि लाहौर के शहरियों को अपने कल्चर से मुसलसल आमंगी देते रहें, उन्हें बताते रहें कि ये हमारा कल्चर है, ये सादा ज़िंदगी है, इस तरह से लोग साहब से। बिल्कुल जनाब, ये रंग है लाहौर के, बड़े खूबसूरत रंग है और लाहौरिये इन रंगों से खेलते रहे, हंसते वसते रहन, मुस्कुराते रहन, हंसते खेलते रहन। एक लाहौरिये, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, एक चीज़ ये हुई थी कि लाहौर पिछले 20 सालों में डबल हुआ, अब बढ़ते बढ़ गए, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा हुई लेकिन दरख्त आधे ज्यादा कम हो गए। इसमें एक खास काम कम हुआ था तो हमने 20 गुना ज्यादा प्लांटेशन की है। 25,000 लगते थे साल में, हमने 5 लाख एक साल में और 2 सालों में 10 लाख दरख्त लगा के हम इको बैलेंस की भी कोशिश कर रहे हैं, अभी और लगने चाहिए इंशाल्लाह, हम कोशिश पूरी करेंगे कि डिलीवर करें और लाहौर के शहरी को अच्छा माहौल। चले जी, अल्लाह करे लाहौर जो है दोबारा आबाद हो, शाद हो, यहाँ पर रंग हो, यहाँ पर खुशियाँ हो, यहाँ पर मस्तियाँ हो, जिंदा दिलाने लाहौर जो है जिनको कहा जाता है उनकी जिंदा दिली का सामान यहाँ पर बनता रहे, इस किस्म के मेले ठेले होते रहे, इस किस्म की, अभी तो दिन का वक्त है, आप शाम के वक्त जब यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर गाने की महफिल भी मिलेगी, आपको यहाँ पर स्टोरी टेलिंग भी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, आइएगा ज़रूर। और PHA को मैं तो सलूट पेश करता हूँ, पूरे PHA को, और मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे ये रंग इसी तरह रहे, ये मुस्कुराटे इस तरह रहे, ये रौनकें इसी तरह रहे, लाहौर ताकयामत हंसता मुस्कुराता रहे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।